का पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बाल संख्या न्यूनतम है वो आपको बताना है। केले में 2000 सैनिकों लिए, यानी ये समय और कार्य का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये कितने दिन तक तो खाना यहाँ पे चलेगा। आगनाश्य रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों दोस्तों कल भी हमने देखा कि हरियाणा पुलिस से कम 5 से 6 क्वेश्चन कल आए हुए थे। सेम पैटर्न यहाँ पर है, हिंदी और इंग्लिश इस पेपर में भी नहीं पूछी गई है। मैथ और रीजनिंग दोनों के मिलाकर 40+ क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पूछा गया, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित और अब राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती के HPSC के द्वारा ये भर्ती की जाती है। ये मैथ का सवाल है दोस्तों, अगर 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस इस प्रकार 101 बार लिखेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा। कह रहा है कि दोस्तों हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बाशोड़ा त्यौहार कहलाता है। तो हम जानते हैं सीढ़ी सात होती है, ठीक है। यदि एक पंक्ति में, यानी यदि रैंकिंग का सवाल ये कल भी था और ये आज भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। यानी रीजनिंग में अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर सीरीज जो है वहां से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सारे पूछे गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि खालिस्तान एक विशेष क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्रित होने पर रोक लगाता है, ये धारा पूछ ली गई है, यानी हरियाणा पुलिस से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल है कि एक परिनलिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के चुंबक को क्या कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है, ये अगला सवाल दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कल भी पूछा गया था, आज भी ये पूछा गया है। अगला सवाल आप फिर से देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या है। अगला सवाल दोस्तों, फकर है हरियाणा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फकर ए हरियाणा पुरस्कार। अगला सवाल फिर से दोस्तों हरियाणा पुलिस संबंधित है कि हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितने बटालियन हैं। और दोस्तों हमने आपके लिए हरियाणा जीके की मैराथन क्लास करवाई है जिसमें बटालियंस पुलिस कमिश्नरी सबके बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके देख सकते हैं। 5 घंटे की मैराथन क्लास संदीप गुजर सर और PK जांगड़ा सर के द्वारा करवाई गई है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला सवाल दोस्तों, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से यहाँ पर परछाई पूछी गई है, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है, ठीक है। फिर से हरियाणा पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला सवाल दोस्तों, किसे थैली कवक कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे मिसिंग नंबर का है और यहाँ पे वर्णमाला के आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सुअरों के काटने से पूर्व एंथीसीटे के लिए प्रयोग की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तोसाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। तो तोसाम क्षेत्र बियाणी में आप जानते हैं। चुंबक के क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। हरियाणा सरकार की रीडिंग मिशन के बारे में कल भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन था जो कुटिंग में दिया गया था और आज भी वही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल है कि बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं। कल खरगोश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल साधारण ब्याज का है, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये आपसे पूछा गया है। 16 पंक्तियों की, यानी एक फिर से रैंकिंग का सवाल पूछ लिया गया है। रैंकिंग के 2 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि 1024 बाइट में कितनी इकाई के बराबर होती है। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है, तो चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना है वो किसके समरूप है, ये आपसे पूछा गया है। फूल के आकार की है, मानव शरीर है, पक्षी है, किसके आधार पर है। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 तो 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, एक भारतीय क्या है, पहलवान है, धावक है, गोला फेंक है या मुक्केबाज है, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सार्थक क्रम यानी रीजनिंग का सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि WW जो है हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए कौन सी भाषा यहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है कि द्रव्यमान 10 kg वाली मशीन गन से 500 ms-1 गलती से गोली 10 गोली मतलब कितनी गति से यहाँ पे आएगा, ठीक है। आज CPU की गति खालिस्तान में मापी जाती है, आज के टाइम पर CPU की गति किस में मापी जाती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों, 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के 5 व्यक्ति चुनकर एक समिति का गठन किया, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है,
वेब सेवाओं का अर्थ खालिस्तान प्रदान करना है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और दोस्तों करंट अफेयर कल भी 2021 की पूछी गई थी, आज भी 2021 में पूछा गया है करंट अफेयर, ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। ये रवि कुमार धैया ने टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि 2020 का ही ओलंपिक है लेकिन 2021 में आयोजित हुआ है, किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो आपको उसका भार वर्ग भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगली शिफ्ट में हो सकता है कि किसी और पहलवान का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का है, बहुत ही आसान सवाल है। वर्ष 1955 में एस आर राव ने किस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की खोज की? यानी कल भी हमने हड़प्पा का क्वेश्चन देखा था, आज भी हड़प्पा का क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल डायरेक्शन डिस्टेंस का है, दो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस के आ चुके हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी एमएसडीसी इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त रैंक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। डब्ल्यूएच 12 सत्य चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म आपसे पूछी गई है? डब्ल्यूएच 1270 है, ये किस फसल की किस्म है, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पे ब्लड रेशन का है, बिल्कुल फैक्ट बेसिस ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो परमवीर चक्र विजेता कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आई, ये आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का सवाल, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का सवाल दोस्तों, ये रीजनिंग यहाँ से रीजनिंग है दोस्तों। रक्तचाप का जो सामान्य मान है परकुंचन दाब कितना होता है, 120 mm होता है दोस्तों। पैरोल का अर्थ क्या है, ये हरियाणा पुलिस में यानी धाराओं से संबंधित दो क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, अभी हमने धारा 144 पढ़ी थी और ये पैरोल का सवाल पूछा लिया है, ठीक है। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, जेब्रा को ये लिखा गया है तो किसको, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। कारनोट इंजन की क्षमता की गणना आपसे पूछी गई है दोस्तों। एक बार फिर से धारा संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को खालिस्तान घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये आपसे धारा पूछ ली गई है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ज़ेरैंथ्रोपोनिसिस का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। केसरा राम ने अपनी लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। अगला सवाल फिर से हरियाणा पुलिस संबंधित है कि हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, तो हम सभी जानते हैं गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार यानी गृह विभाग के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा पुलिस से संबंधित अगर टोटल देखें तो यहाँ पे लगभग 6 क्वेश्चन हम देख चुके हैं धाराओं और हरियाणा पुलिस को मिलाकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान आसानी से समझने योग्य डोमेन नेमों को आईपी पदों पर अनुदित करता है, एक क्रिकेट के यानी एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। रन रेट आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काउंटिंग फिगर का पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। 2011 की जनगणना से कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है दोस्तों। आज भी हमने दो देखे हैं, कल भी दो देखे थे, ठीक है। कल बाल शिशु जन्म दर पूछी गई थी, ये आयु का क्वेश्चन है, आप इसको मैथ में भी काउंट कर सकते हैं, रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं। पुलिस का जिला प्रशासन के अन्य एजेंसियों के साथ कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। एसिटिक अम्ल का पीके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके 6 जो क्रम से इतना है, तो अमोनियम एसिटिक विलयन का पीएच मान क्या होगा, पीएच मान यानी कैलकुलेटिव फिजिक्स यहाँ पे पूछी गई है। नाइट्रोजन स्थिनगन लेग्नुम बैक्टीरिया क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे रिपीटेड सीरीज है, रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे उम्र यानी रैंकिंग का सवाल है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, कल भी इस पर्सन यही एजेंसी यानी इसी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, पैंथ्रोलियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अपघटन करने पर चूने का पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता है, ये आपसे पूछा गया है। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों हरियाणा पुलिस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 घंटे एक साथ बजना यानी क्लॉक का क्वेश्चन है रीजनिंग में। अगला सवाल है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र IBDC के बारे में कथन आपसे पूछा, यानी कुटिंग पर 2 क्वेश्चन आप पूछ लिए गए हैं। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी से प्रसिद्ध है, गांधी हरियाणा का गांधी
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज आपसे पूछी गई है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये सिक्के यानी रेशियो के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सवाल, ए बी सी शून्य नहीं है, तो ए प्लस बी वन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रीजनिंग का ही मतलब मैथ का नंबर सिस्टम का बिल्कुल आसान ये सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है वो कौन सी है दोस्तों। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। खालिस्तान बिट्स की अधिकतम संख्या जिसे माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है। क्यूबैकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध किससे है, ये एक बार फिर से दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग के अभी तक तीन क्वेश्चन हम देख चुके हैं और ये चौथा क्वेश्चन फिर से दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का पूछा गया है। अगला सवाल, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है, कौन सा विभाग नवगठित है, ये आपसे पूछा गया है। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा क्षेत्र आता है, ये आपको बताना है दोस्तों किस क्षेत्र में हम आते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित होती है, ठीक है। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगला सवाल, नंबर सीरीज रीजनिंग के, नंबर सीरीज के दोस्तों चार क्वेश्चन हम देख चुके हैं, एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन हमने देखा है, तो कुल मिलाकर पांच क्वेश्चन तो सीरीज के हैं नंबर के रीजनिंग में, जबकि दो क्वेश्चन मिसिंग नंबर के हैं, एक काउंटिंग फिगर का है, दो रैंकिंग के क्वेश्चन है, दो डायरेक्शन डिस्टेंस के हैं, एक में दूरी पूछे, एक में छाया आपसे पूछी गई है दोस्तों। ब्लड रिलेशन के भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ये रैम और दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, ये आपसे पूछा गया है कंप्यूटर से। और इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा भी कहते हैं, तो हम जानते हैं किसको कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ए माइनस बी बराबर तीन है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 29 है, तो ए बी का मान आपसे पूछा गया है। वायरलेस नेटवर्क में आपसे फंक्शन पूछा गया है दोस्तों, नए ब्रिटेन का प्रतीक क्या है और फोल्डर के सभी फाइलों को सेंड करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ये 100 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस पेपर का अगर एनालिसिस करें तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा आपसे 40 क्वेश्चन हम बता सकते हैं मैथ रीजनिंग में पूछे गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा जीके और हरियाणा पुलिस को मिलाकर, हरियाणा जीके और हरियाणा पुलिस दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 22 से 25 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा दोस्तों साइंस के भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं, दर्पण भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेटिव सवाल भी यहाँ पे पूछे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर के यहाँ पे देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के पूछे गए हैं। योजना पूछी गई है टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, विविध में काउंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल ऐसे ही। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें हर अगली अपडेट को सबसे पहले और बेहतरीन तरीके से पाने के लिए। धन्यवाद।